हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो सफ़र है हमारा वो रहेगा हैदराबाद से बेंगलोर का। हम आ चुके हैं अभी हाईवे पर। ये जो हाईवे का नाम है ये है NH 44, नेशनल हाईवे 44। जो हैदराबाद से बेंगलोर का डिस्टेंस है वो अराउंड 650 to 700 किलोमीटर का है। देखते हैं हम कितने घंटों में कवर कर सकते हैं ये आज का सफ़र। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम कितने घंटों में यह सफ़र कर चुके हैं, आप फिर भी ये व्लॉग पूरा एंड तक देखिए। अभी बज चुके हैं दोपहर के 12, मतलब एकदम कड़क धूप है लेकिन बादल छाए हुए हैं ऊपर की तरफ, और हम निकले हैं 12 बजे। पेट्रोल तो मैंने पकड़ा लिया था हैदराबाद में ही, सिटी में ही पकड़ा लिया। अभी जो टोल नाका हमने क्रॉस किया ये महबूब नगर से 20-25 किलोमीटर पहले वाला टोल नाका है, और बेंगलोर यहाँ से 440 किलोमीटर के अराउंड है। हम 100 किलोमीटर के आसपास कवर कर चुके हैं। अभी ये जो सफ़र कर रहा हूँ मैं हैदराबाद से बेंगलोर का बाइक राइड में, ये मेरा बहुत पहले से प्लान है कि एक बार ज़रूर बाइक राइड करना चाहिए मुझे, और देखना है कि मुझे कितने घंटों में मैं कवर कर सकता हूँ। 2018 में शायद मेरी एक्टिवा में मैं हैदराबाद से हमारे गांव का सफ़र किया था। हम अराउंड रात के 9 बजे निकले थे और सुबह के 8 बजे तक घर पहुंचे थे। अगर मेरा दोस्त ये देख रहा होगा तो उसको याद ही होगा हम एक्टिवा पे राइड किए थे। 240 किलोमीटर का डिस्टेंस हम कवर कर चुके हैं। जो हैदराबाद से करनूल का डिस्टेंस है 240 किलोमीटर के अराउंड है, तो हम इतना डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। अभी एक भी स्टॉप हमने नहीं लिया है अब तक। अभी देखते हैं, करनूल में एक टोल गेट आता है तो मैंने सोचा टोल गेट पे स्टॉप करके एक चाय को पीते हैं, फिर निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। चाय पी लिए, चाय पी करके अभी फिर से रफ्तार पकड़ी है हमने बेंगलोर के लिए। ये वाला जो ब्रिज है करनूल का ब्रिज, क्योंकि ये पूरा ऊपर से होते हुए निकल जाते हैं, कोई सिटी में एंटर होने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी देखते हैं नेक्स्ट स्टॉप कहाँ पे लूँगा मैं, मुझे खुद नहीं पता कि मैं कहाँ पे नेक्स्ट स्टॉप लूँगा। पेट्रोल के लिए तो नहीं ले सकते अभी क्योंकि फुल है पेट्रोल, थोड़ी देर पहले ही मैं भराया था पेट्रोल। 115, 120, 125, 130 के अराउंड स्पीड में मैं जा रहा हूँ, क्योंकि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुँचना है, क्योंकि एक रिकॉर्ड बनाना है खुद के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं। वैसे तो यूट्यूब में अपलोड कर रहा हूँ, लोग तो देखने वाले ही हैं, तो ये जो रिकॉर्ड है ये मेरे लिए मैं बना रहा हूँ। अब तक सिर्फ एक ही स्टॉप मैंने लिया है, 350 किलोमीटर के अराउंड कवर कर चुका हूँ। इस हाईवे में करनूल के बाद जो बड़ा सिटी आने वाला है वो अनंतपुर आने वाला है। अभी जस्ट मैं बोर्ड पे देखा तो 100 किलोमीटर के अराउंड है अनंतपुर। दोपहर का वक्त है तो ट्रैफिक उतनी ज़्यादा नहीं थी, पूरा रोड खाली खाली था, आप लोग भी देख सकते हैं, देखो पूरा रोड खाली है और मैं एकदम भगा रहा हूँ गाड़ी को। बेंगलोर 289 किलोमीटर और है, बोर्ड पे आपको नज़र आया होगा, अभी मुझे खुद भी नज़र आया है इतनी स्पीड में भी 289 किलोमीटर्स। हैदराबाद में 15 दिन स्टे करने के बाद अभी मैं निकला हूँ घर के लिए। ये जो मेरा ट्रिप था ये पूरा कर्नाटक का ट्रिप था, बेंगलोर से गोकर्णा, गोकर्णा से फिर हैदराबाद, हैदराबाद में 15 दिन टिकने के बाद अभी मैं निकला हूँ बेंगलोर के लिए। बेंगलोर से फिर हम जाएंगे हमारे गाँव मदनापल्ली। आराम से भी जा सकता था लेकिन मेरा बहुत पहले से ड्रीम था कि हैदराबाद से बेंगलोर का जो हाईवे है मुझे जल्द से जल्द, जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट में कवर करना है, जितना कम समय हो सके उतना कम समय। अनंतपुर निकल चुका है, अभी हम स्टॉप किए हैं पेट्रोल के लिए। ये देखो कहाँ आ चुके हैं, द बिगेस्ट हब, किया का शोरूम, किया का मैन्युफैक्चरिंग हब। थोड़ी देर पहले ही बहुत सारे ट्रक मुझे नज़र आए, मुझे लगा ये क्या है यहाँ पे, मुझे ख्याल में नहीं था, मैं भूल गया था। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद पता चला यहाँ पे किया शोरूम है, वैसे तो मुझे पता था लेकिन मेरे दिमाग में नहीं था। फिर मैं यहाँ पे रुकाया, ये फोर्थ स्टॉप है मेरा, पहला स्टॉप पेट्रोल के लिए, फिर करनूल में रुकाया था चाय के लिए, फिर अनंतपुर के बाद रुकाया था फिर पेट्रोल के लिए, अभी यहाँ फोर्थ स्टॉप है मेरा किया शोरूम के पास। यहाँ पर मैं 5 से 10 मिनट वेस्ट कर चुका हूँ क्योंकि मुझे देखना था थोड़ा किया शोरूम वगैरह। फिर से निकल चुका हूँ बेंगलोर, क्योंकि किया शोरूम से बेंगलोर का जो डिस्टेंस है 160 किलोमीटर का डिस्टेंस है, किया शोरूम से जो किया मैन्युफैक्चरिंग हब है वहाँ से बेंगलोर का। देवनहली में पहुँच चुका हूँ,
अभी यहाँ से तो मैंगलोर लग आ गया समझो, अभी टोल गेट आएगा सामने एयरपोर्ट के बाद, एयरपोर्ट रोड जो आता है उसके बाद टोल गेट आएगा। चलो देखते हैं टोल गेट के पास मैं कितने घंटे में टोल गेट पहुँचा हूँ, हैदराबाद के टोल गेट से बैंगलोर का टोल गेट मैं कितने आवर्स में रीच हुआ हूँ। 5 आवर 45 मिनट्स या 5 आवर 50 मिनट्स समझो, 5 आवर 50 मिनट्स में मैं पहुँच चुका हूँ बैंगलोर। जो मेरा ड्रीम था जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कवर करने का, वो हुआ है 5 आवर 50 मिनट्स में, और उसमें 10 मिनट वेस्ट हो चुके थे। अभी हम जा रहे हैं मेरे भाई के रूम पे, क्योंकि वहाँ पे उसका सामान कुछ देना था, वो दे करके मैं निकलता हूँ गांव के लिए। सामान दे करके अभी मैं वापस निकला हूँ मेरे गांव के लिए मदनापल्ली। सनसेट होने वाला है अभी, वापस बेंगलोर हैदराबाद हाईवे पे हूँ मैं, क्योंकि देवन अली से राइट लेते हुए हमें हमारे गांव के लिए जाना है। और इस ब्रिज पर ये वीडियो लेने के बाद मेरे साथ एक इंसिडेंट पेश आया, वो है एक्सलेटर वायर टूट गई थी, मैकेनिक के पास दिखाया वो रेडी नहीं किया, तो एक वायर जो आधी टूटी हुई थी उसको उंगली में मैं बांध लिया, और बांध करके उसी में मैं पूरा डिस्टेंस कवर किया 120 किलोमीटर। आप देख सकते हैं थोड़ी देर पहले मैं दिखाया था मेरी उंगली में बांधा हुआ वायर, उसी को खींचते हुए मैं पहुंच चुका हूं हमारे डेस्टिनेशन पे, जो हमारा गांव है मदनापल्ली। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।